बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो मैं आपको बातें बताऊंगा, अगर आप उन बातों पर अमल करोगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा इस वीडियो से। तो चले हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम में से बहुत से लोगों की नाकामी की वजह यही होती है कि उनकी ज़िंदगी में कोई वाहद मकसद नहीं होता, या एक वक्त में एक से ज़्यादा मकासद उनकी ज़िंदगी में होते हैं, यानी एक से ज़्यादा काम वो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो नाकाम होते हैं, किसी एक काम में भी वो कामयाब नहीं हो पाते। अगर आप किसी जीनियस तरीन शख्स या फिर मेहनती किसी आदमी को भी बयक वक्त एक से ज़्यादा टारगेट, गोल्स या काम दे दें आप, तो वो कभी भी किसी काम में भी कामयाब नहीं हो सकता। उसके बरक्स अगर आप किसी सादा शख्स को जो कि कुछ भी नहीं जानता होगा, उसको आप एक काम देते हैं, एक का टारगेट दे दें, तो वो डेफिनेटली उसमें कामयाब हो जाएगा। तो आपको हमेशा एक वक्त में एक ही काम करना है, एक ही टारगेट को अचीव करने की कोशिश करनी है एक वक्त में। जब आप उस टारगेट को अचीव कर लें तो नेक्स्ट आप दूसरे टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें। एक वक्त में एक से ज़ायद कामों पर आप मतलब अपना टाइम वेस्ट मत करें, आप किसी में भी कामयाब नहीं होंगे। जब आपने अपना एक वाहद मकसद तय कर लिया कि ये मेरा मकसद है, फिर आपको ये खुद पर यकीन होना चाहिए कि आप इस टारगेट को अचीव कर लोगे, और यकीन से बढ़कर कोई ताकत नहीं जो आपको कामयाब करे। अब आपका एक मकसद है, अब इसको पूरा कैसे करना है, कब करना है, एक आप पेपर लीजिए और उस पर लिखिए। मसलन आपने अभी 2020 चल रहा है, 2023 तक आपने अपनी नौकरी से निकल के आपने अपना बिजनेस करना है, या आपने अभी YouTube चैनल स्टार्ट करना है और अगले 6 मंथ में आपने YouTube की चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन करवानी है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, आपका कोई भी टारगेट हो सकता है, तो आपने कॉपी लेनी है और उस पर लिखना है कि आपने कब तक ये टारगेट अचीव करना है। मसलन अगर आप बिज़नेस का टारगेट रखते हैं तो उसके लिए सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सा बिज़नेस आपने करना है, कितने मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट से आपने स्टार्ट उसको करना है, और उसके लिए अभी से आपने सेविंग शुरू कर देनी है। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो उसमें से आपको मंथली सेविंग शुरू करनी है कि आपने मंथली इतने पैसे इस बिज़नेस के लिए सेव करने हैं, और इन सब चीज़ों को आपने पेपर पे ज़रूर लिखना है। लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंसान भूल जाता है। जब इंसान भूलता है उसको कुछ याद नहीं होता उसका क्या मकसद है, और जब उसको याद आता है तो फिर थोड़ी सी मेहनत वो करता है अपने मकसद पर, लेकिन जब वो भूल जाता है तो फिर वो कोई भी मेहनत नहीं करता। तो इस तरह वो इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तो इसमें मैं आपको यही कहूँगा कि आपका एक टारगेट होना चाहिए और उसी पे आपका फोकस होना चाहिए। उसको आपने पेपर पे लिखा होगा तो अच्छा होगा, आप उसको दिन में एक बार पढ़ें, अगर आप दिन में नहीं पढ़ सकते तो आपको महीने में उसको एक बार ज़रूर पढ़ना है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना जो टारगेट होगा उस टारगेट की जो डेट होगी उससे पहले इंशाल्लाह आप अपना वो टारगेट अचीव कर लेंगे और आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।